हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? आज करीब एक महीने के बाद ब्लॉग शूट हो रहा है। बहुत लंबा टाइम हो गया क्योंकि लैब के काम में बिज़ी रहते हैं। आज 1 जनवरी है, नया साल, और आज ही मेरा बर्थडे है। ये हमारे कासिम भाई खड़े हैं। तो यार लैब में थोड़ा बिज़ी रहते हैं इसलिए थोड़ा ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जब स्टाफ पूरा हो जाएगा और लोग अपने समय पर आने लगेंगे तो ब्लॉग भी जो है अपने समय पर आने लगेंगे। ये हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। थैंक यू भाई। अभी चलते हैं घर। अभी संडे में आज हम काम करने आए थे, काम था संडे में, लैब खुली थी, सारा काम निपटा दिया। अभी लैब बंद कर रहे हैं हम। लैब बंद कर दो भाई और चलते हैं घर और देखते हैं कि आज की प्लानिंग क्या है, दोस्तों ने क्या प्लानिंग की है। तो गाइस, जैसे ही कैलेंडर चेंज हुआ है, मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से आज जो है धूप नहीं निकली है। ये देखिए, रात तो काफ़ी कोहरा था क्योंकि रात में घर पहुंचा था 12 बजे। तो ये गांधीनगर में आज सारे डॉक्टरों की छुट्टी है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सूनसाम है। और दो एक दिन से यार ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी अच्छी ठंड हो गई है एक दो दिन से। रात जो इतना कोहरा था कि बस सिर्फ 10 की स्पीड पे चल रही थी। ये यहाँ पे जो है ठंड के मजे लिए जा रहे हैं और यहाँ पे चल रही है तपाई। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। बस बढ़िया। और दिलशाद भाई क्या हाल है? तो यहाँ पे ये वाह आग जल रही है और हमारे यार बैठे हैं और ये एक यार ही आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज काफ़ी टाइम के बाद दोस्तों से मुलाकात हो रही है। इतना बिजी चल रहा हूँ कि इनसे मिलने में भी करीब 10-12 दिन, एक हफ्ता लग जाता है। अच्छा जी, ये देखो हमारे यहाँ पे क्या क्या भूसर चलाने के लिए इस्तेमाल। ये देखो क्या क्या चला रहे हो, ये कार, बच्चों के खिलौने, दुद्धी बोनी और क्या चल रहा है। चलो बहरहाल जो भी है, ठंड में जितना कबाड़ा है ना, सब जला दियो भाई। डॉक्टर साहब यार काफी दिन के बाद मिले हैं, चाय पीने चल रहे हैं यार। बुलाओ बाजीत को, बुलाओ। कहाँ है? चलो फिर सबको बुला लो। और वो कहाँ है? MD पैथोलॉजिस्ट अबरार मिल जाते हैं। अरे है चश्मा, लो लगाओ ये। तो गाइस, मैं अभी घर आया हूँ और खाना वाना खाते हैं और फिर खाना वाना खा के चलते हैं चाय पीने दोस्तों के साथ। तो चलो चलते हैं उन लोगों के पास खाना वाना खा के। और बहुत टाइम से यार ब्लॉग आया नहीं है, लोग ये सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों नहीं डाल रहा, मन भर गया या ऐसा कुछ, लेकिन मन कुछ नहीं भरा है। अभी बिजी होने के कारण नहीं डाल पाया हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो भी है रूटीन सा एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो वही शूट कर रहा था मैं बस। भाई साहब, खाना वाना सब खाया है हम, जैकेट चेंज कर आया हमें। चलो यार डॉक्टर साहब, तो हम जा रहे हैं अभी टोल पे चाय पीने के लिए। डॉक्टर साहब तो पूरे पैक है, पूरे इंतजाम से है। तो आ गए अभी हम टोल पे चाय पीने के लिए। आग जलवाओ यार, आग तो ठंडी पड़ी है बाजीत भाई। ये लोग क्या है ना, नदी पड़ गई, बर्फ पड़ गई, क्या हो गया? स्लो मोशन मारे, ठंड लग रही होगी, एक आध तो कहीं बुखार पड़ गई। और ये देखिए बाजीत भाई की चाय खोलती हुई, मजेदार चाय, वाह। पीछे थोड़ी सी पीछे बर्फ मिली थी क्या? और सन्नी बर्फ में यार हमारी। अच्छा, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर गुलाम रसूल थामले से हैं, और बाकी तो अपनी पूरी टीम डॉक्टरों की टीम है ही अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक ये हैं भाई जनसेवा केंद्र जनसेवा केंद्र MS का बैठा, इन्होंने भी जो है हाँ MD पैथोलॉजी से हैं, चेन्नई में बैठते हैं। MD पैथोलॉजिस्ट तो ये भी है। सेलिब्रेशन होगा आज न्यू ईयर का, नहीं बर्थडे है मुशफिक भाई का। ओहो, बर्थडे मुशफिक भाई का, मुशफिक भाई का, मुशफिक भाई का, मुशफिक भाई का, मुशफिक भाई का। अरे जो भी, चलो आओ आओ इधर बैठेंगे। ओ मेरी जान, खतरनाक वाला सरप्राइज। तो यार गाइस, इस चीज के बारे में मुझे पता नहीं था। खैर, ये तो पता था कि मेरे दोस्त हैं, ये पता था कि हाँ होगा, हो सकता है। हाँ ना, कमीने तो है, ये तो मुझे पता है, कमीने तो खैर है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया यार कि वो मेरे लिए ये केक लेकर आए। और मेरे दोस्तों ने मेरे लिए छोटा सा प्रोग्राम किया था, सरप्राइज था मेरे लिए।
पता तो था मुझे, लेकिन सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, मुझे भी थोड़ी सा जो है छुपाने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। हाथ पकड़ लो डॉक्टर साहब। मसाला खा रहा था मैं, मसाला खा रहे बाकी सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, अपने आसपास अपने घर पर बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल रखें। तेरा फोन खराब हो गया। केक को मुंह पे लगाते हैं, बेकार करते हैं वो, उससे अच्छा है बेटर है कि लोगों में बांट दिया जाए। ये भी रिजक है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल ये मुआशरे में हो गया है कि लोग एक दूसरे को केक लगाते हैं। ये कौन भाई है? ये हमारे दोस्त हैं यार। ये कहाँ मिले थे आपको? मत पूछो, सीक्रेट है। हम समझ गए कहाँ मिले थे, वीडियो में आना तो। हम समझ गए कहाँ मिले थे। अरे ना यार, अब्बा जी खाओ। अब्बा जी ये क्या हथौड़ा काय का? ये जज का हथौड़ा ले आए क्या? ये जज का हथौड़ा कहाँ से आ गया भाई? जाने का गए अपनी नजर में आ, वन टू थ्री, अपनी नजर में आज कल, जोर से, अपनी नजर में आज कल। यार लग गया, चलो फिर तो गाइस अब चलते हैं, हो गई अपनी पार्टी, चाय पार्टी। बाकी आज का ब्लॉग बनाने का कोई वो मूड नहीं था, ना ही कोई ओकेशन था, बस ये है कि लोगों के साथ काफी दिन के बाद मिले थे तो इसलिए ब्लॉग बना लिया। बाकी आप लोगों को भी ये पता लगता है कि हाँ ब्लॉग बन रहे हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन काफी इंजॉय किया अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो कैसे हैं आप लोग? आज दूसरा दिन है, 2 जनवरी, और हम अभी ऑफिस आए हुए हैं, लैब में आए हुए हैं अपने, और हमारे यहाँ भी आज 2 लोगों का बर्थडे है, एक मेरा एक आकाश का था। आकाश हमारे अकाउंटेंट है। तो ये कंपनी की पॉलिसी है कि जिनका बर्थडे होता है, कंपनी की पॉलिसी नहीं है, मतलब कि यहाँ के लोगों ने, स्टाफ ने पॉलिसी बना रखी है कि जिस किसी का भी बर्थडे होगा तो पैसे कंट्रीब्यूट करके उनका केक लाया जाएगा और सेलिब्रेट करा जाएगा उनका बर्थडे। तो कल तो संडे था, तो कल सब लोग आए नहीं थे, आज सारे लोग आए हुए हैं। उवैद भाई आए हुए हैं, ये अपने दोस्त भी हैं और नए स्टाफ हैं हमारे लैब में। बाकी फरमान भाई जो गए हैं वो केक लेने के लिए गए हुए हैं, और फरमान भाई से मैंने एक जैकेट ऑर्डर करवाई थी, ये बात उनको पता नहीं है, मैंने उनसे बोला है कि तुम मुझे गिफ्ट देना, तो वो मुझे गिफ्ट देंगे, एज ए गिफ्ट वो जब मुझे देंगे तो उन्हें ये पता नहीं है कि मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ, वो मैंने अपने पैसों से मंगाया था। बस ये फरमान भाई की तसल्ली के लिए हम उनसे ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे देना ताकि उन्हें अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम उनका चूरन काटना चाह रहे हैं थोड़ा। वो अभी केक लेने गए हुए हैं और काम चल रहा है, बाकी के लोग बाहर हैं और हम यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं अपना। हाँ जी, शानदार वाला मैं बटर स्कॉच का केक लेकर आया हूँ। ले आए केक? बिल्कुल ले आए। और गिफ्ट मेरा? आपका गिफ्ट लेकर आए, लेकिन एक फ्लाइंग मशीन का जैकेट मैंने गिफ्ट कर रहा हूँ इनके बर्थडे पर। अच्छा, मेरे बर्थडे पर ये भी मुझे गिफ्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा काम निपटाते हैं फिर आराम से फुर्सत से। तो गाइस ये केक लेकर आ गए हैं आकाश भाई का और मेरा। एक ही केक पे नाम लिखवा देना। हाँ एक ही लिखवा दे। हाँ मोहब्बत है हमें, हम एक ही केक पे नाम लिखवा लेंगे। आज इनका ये शख्स जो है हमारे अकाउंटेंट साहब, इनका भी बर्थडे था कल। ये है बकरे और हम भी बकरे हैं, सब एक तारीख को पैदा हुए ना। देखो पता क्या होता है, ज्यादातर लोगों के जो है बर्थडे होते हैं वो न्यू ईयर वाले दिन होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्कूल में बनाए जाते हैं, स्कूल में जो लिख दिया वो हो जाता है, क्या है? लेकिन मेरा जो बर्थडे है एक्चुअल में यही है, 4 बजे में पैदा हुआ था सुबह के। इनका जो है ये मुझे पता नहीं,
तुम्हारा कौन सा है? तुम्हारा रियल है या फर्जी है? रियल है। अच्छा रियल है तुम्हारा भी? आ जाओ आकाश भाई। गाइस ये केक लेकर आए हैं मुश्किल और आकाश। तो गाइस आकाश भाई का और मेरा बर्थडे है, हम दोनों का कंबाइंड केक आ गया। आओ हमारे लैब इंचार्ज साहब आइए और ये मुझे गिफ्ट भी दे रहे हैं। गिफ्ट का पहले तो ये दो, गिफ्ट का है मेरा तो ये फरमान भाई की तरफ से गिफ्ट है। ये अनबॉक्सिंग कर दी तुमने? ये वाह जैकेट बढ़िया, ये जैकेट आई है फरमान भाई की तरफ से। ठीक है, और इसका प्राइस क्या है? 4,000 भाई, 4,000 रुपए की। मछली प्यार वो ये सतीश भाई है मेरे, बहुत बड़े बहुत प्यारे आदमी है। ठीक है, सतीश आकाश मुस्तगार, ये गौरव भाई है, ये कासिम, ये राहुल, राहुल भाई अपने, और ये उबैद भाई, और ये हमारा भाई मोहित है। ये भाई को खेल तो हमारे यार मोहित भाई को खेल तो लो बात करती हूँ। केक कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत लाजवाब केक है। थैंक यू यार फरमान भाई, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया।